वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एट के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सो लास्ट वीक जैसे हम लोग ने बात किया था, मैं आपको बता के गया था कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट्स बुलिश होंगे और बुलिशनेस आएगी, और ऐसा ही हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे मूव्स आए, बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखा। जैसे मैं लास्ट वीक आपको बताया था कि यहाँ पे इसको घिरना होता तो इतना यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए था, और यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और इस लेवल के ब्रेकआउट भी हो गए थे, इधर से ब्रेकआउट करके निकला था और एक रिटेस्ट बीच में मिला था, दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप। और उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली गैप अप ओपनिंग, साइडवेज मार्केट, गैप अप ओपनिंग, साइडवेज मार्केट, मतलब एंटर करने की भी बहुत अच्छी जगह या किसी को बहुत अच्छी एंट्री मिले नहीं, ऐसा अभी हम सोच सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी जगहों पर एंट्रीज मिली। मैंने आपके बहुत सारे स्टॉक्स भी आपको बताए थे, जैसे कि दीपक नाइट्रेट था, नवीन फ्लोरिन था, काफ़ी अच्छे मूव्स, उनमें बहुत बड़े बड़े मूव्स आए जिसमें कि 10-12% के मूव्स आ गए अपसाइड पे। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। बट एनी वेज, अब कमिंग वीक में क्या देख सकते हैं उसकी बातें कर रहे हैं। तो एस जी एक्स निफ्टी की बातें करें तो अब वापस से फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि गैप अप ओपनिंग से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वापस 200 पॉइंट्स हमारे मार्केट बंद होने के बाद भी वो ऊपर गया है एस जी एक्स निफ्टी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अब ये जो इतना बुलिशनेस, इतना अच्छा एक बुल रन नीचे से हमें दिखा या इतनी अच्छी एक मोमेंटम दिखा है, तो थोड़ा सा मोमेंटम फेड होएगा और एक एंट्री की जो अपॉर्चुनिटी बहुत बार नहीं मिलती है, जैसे इस बार नहीं मिली थी, तो वो मिल सकती है। तो कमिंग वीक में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई पुल बैक आ सकता है, और अगर कोई पुल बैक आता है तो ऑलमोस्ट ये 16,900 के आसपास के रेंज में अगर पुल बैक मिलता है और यहाँ से वो बाउंस बैक प्रॉपर स्पॉट होता है, सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ट्रेंड तो एक चेंज हो चुका है, ये मूव से ऐसा हम सोच सकते हैं कि अप ट्रेंड, हम वापस से अप ट्रेंड में आ चुके हैं, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ नीचे की तरफ अगर कुछ पुल बैक मिलता है, कुछ एक करेक्टिव मूव मिलता है, तो उसके बाद वापस से अगर ट्रेंड रिज्यूम होता है तो दैट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस से हम इस ट्रेंड को और ऊपर जाते हुए देखेंगे, तो एक एंट्री मिल सकती है, दैट इज़ वन अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो पुल बैक आएगा दोस्तों, उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है एंट्री लेने में, क्योंकि अगर ये मूव फेड होना है तो ये पुल बैक नहीं आएगा, सीधा नीचे गिरता जाएगा। तो प्रॉपर एक जो रिवर्सल पैटर्न्स को स्पॉट होने के बाद ही लॉन्ग कर सकते हैं। सो दिस इज एनालिसिस, बट ये ऑफकोर्स एनालिसिस ऐसा ही है कि कुछ करेक्टिव मूव आएगा और उसके बाद वापस से लॉन्ग करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वीक में। और बैंक निफ्टी की बातें करें तो बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा ही दिखता है, और एक पुल बैक आ सकता है जो कि ऑलमोस्ट ये 35,500 के आसपास हम देख सकते हैं एक पुल बैक को, और फिर उसके बाद अगर कोई रिवर्सल स्पॉट होता है इस जगह पे, जो प्रीवियस असिस्टेंस एरियाज अब दिख रहे हैं चार्ट पे जो सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस जगह से कोई अच्छा रिवर्सल स्पॉट होता है सो देन दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। तो ओवरऑल जो व्यू है वो लॉन्ग का ही है, बट एक अच्छी एंट्री नीचे से मिलेगी तब, और जब रिवर्सल स्पॉट हो गया उसके बाद लॉन्ग जा सकते हैं, ऐसा एक व्यू है। और जो कुछ स्टॉक्स आप फोकस में रख सकते हैं इस वीक उसकी बातें कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कुछ एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें कि अब नया ट्रेंड या तो बन रहा है या तो फिर ये एक करेक्टिव मूव आया था, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड बन रहा है ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो टाटा कंज्यूमर को भी हम देखते हैं। तो अगर मार्केट में करेक्टिव मूव आएगा तो ये एक बहुत अच्छा मूव था, जिससे कि ऐसा लग रहा है ट्रेंड चेंज हुआ टाटा कंज्यूमर का भी। तो अगर ये मूव को सस्टेन होता है, वापस से अगर कोई डिप मिलता है और डिप के बाद अगर रिवर्सल स्पॉट होता है दोस्तों, देन दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। जो कि मेरा ऐसा मानना है कि 730-740 के बीच में अगर कोई रिवर्सल स्पॉट होता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग होने की। और 730 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 740 के लेवल्स आप इधर देखोगे तो ये एज अ सपोर्ट चार्ट पे दिख रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये सपोर्ट ब्रेक करके थोड़ा नीचे जाके फिर ही ऊपर आएगा, दैट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरे कोई स्टॉक की बातें करूँ तो एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले की बातें कर लेते हैं, नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले में भी आप देखोगे तो लास्ट में इधर बहुत अच्छा एक मूव दिख रहा है 2-3 दिन में। तो ये जो मूव है, अगर ये ट्रेंड चेंज है तो ट्रेंड चेंज होएगा तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेंड चेंज में आप कैसे स्पॉट कर सकते हैं कि आपको एक डिप मिलेगा, करेक्टिव मूव, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे निफ्टी में करेक्शन आएगा छोटा सा और फिर उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, तो ये सारे स्टॉक्स में भी एक करेक्शन आएगा छोटा सा और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर ऊपर जा सकते हैं, कोई अच्छे रिवर्सल स्पॉट होते हैं एक छोटे डिप के बाद, देन दैट कैन बी ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और इस टाइप की अपॉर्चुनिटी दूसरा मैं आपको जैसे दीपक नाइट्रेट की बातें करता हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपको बता के गया था कि एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। ये स्टॉक्स में लास्ट वीक आपको सब बोल के गया था कि ऐसे स्टॉक्स है कि मार्केट ऊपर जाएगा सबसे पहले ये चलेंगे, इनमें अच्छे मूव्स आएंगे, और इनमें आए भी एग्जैक्टली। लेकिन अब जो टॉप पे जाके नहीं लेना है, नीचे से जिसने लिया है, ऑफकोर्स दे आर राइडिंग इट एंड दे आर होल्डिंग इट, दे कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट्स ऑल्सो। और अगर वापस से कोई डिप मिलता है और फिर वापस से ऊपर ये स्टॉक जाता है, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसा मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में वापस से एक अच्छा मूव मिल सकता है। और सेम ऐसे ही पीडी लाइट की बातें करता हूँ, जैसे एफएमसीजी की बातें की तो एफएमसीजी में पीडी लाइट को देखना रहेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव दिख रहा है। लेकिन अब इधर जाके बाय करना मुझे सही नहीं लगता है, तो मेरे हिसाब से वापस से हम एक वेट कर सकते हैं एक डिप का, और फिर डिप के बाद वापस से जब एक करेक्टिव मूव होने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट होता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कोई भी स्पॉट होती है, तो लॉन्ग करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पीडी लाइट में भी गाइस।
तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे लगते हैं कमिंग वीक में एक एफएमसीजी सेक्टर में आप वॉच रख सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मेरा ऐसा व्यू है कि करेक्टिव मूव आएगा उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। सो दैट इज़ द वे ज़्यादातर केस में ट्रेंड्स चलते हैं। सो एक गैप ऑफ ओपनिंग तो होगी क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अभी तो ऊपर दिख रही है, पर गैप ऑफ ओपनिंग के बाद एक करेक्टिव मूव आना चाहिए और करेक्टिव मूव के बाद वापस ऊपर जाएंगे। सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन, ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो आई होप इट वर्क्स लाइक दैट, एंड कुछ सीखने मिला होगा आप लोग को भी इस एनालिसिस के वीडियो से। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक, वापस से इस टाइप की कुछ एनालिसिस के वीडियो लाऊंगा, और कमिंग वीक में मिड वीक भी बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग की आप लोग के लिए वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। टेक केयर, सी यू।